गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, म यता भारतीय गोर्खा परिसंघको स्पोक्स पर्सन सम्राट प्रधान है। पाँचजना हुनुहुन्छ, प्लस हिजो नौजना जस्तो थियो है। के भयो भन्दाखेरि हिजो नै आएर बस्नु भएको है। हिजो कति बजी आउनु भएको थियो? बिहानको 6 बजे आउनुभयो है। हाम्रो यतानिर हाम्रै नेपाली सङ्गठनको पनि हिजो एनजिओ, अर्को कुन चाहिँ एनजिओ आएको थियो रहेछ है। सबैजना गयो आसामको मान्छे र हाम्रो मान्छेहरूलाई उनीहरूले पठाएन रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो है। एकपल्ट उनीहरूकैबाट भनिदिनुहोस् है, कस्तो खालको हेरासमेन्ट भयो हिजो, कति बजाउनु पऱ्यो, के भयो, कसो भयो, एकपल्ट भनिदिनुहोस् है। नाम हिजो मर्निङ टाइमको आएर हामी बसिरहेको थियौँ, तर हिजो 5 मिनट सिकायतको भयो। आसाम र उडिसाकोलाई खोजी लगाऊ, उनीहरूलाई खानाहरू त हाम्रो छैन, तर एटलिस्ट लगिसकेको भए त हुन्थ्यो। अन्त हिजो हाम्रो आसामको त आफ्नै मेम्बर हुन्छ है, आफ्नो सङ्गठन हुन्छ। हाम्रो सङ्गठन पनि थियो हिजो, नेपाली कुन सङ्गठन थियो भन्दा उनीहरूले के अन्त इनिसिएटिभ दिनु भएन। दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई फर्म मात्रै भएको थियो, है। त्यसरी त्यसरी बिहानको 6 बजे आएर त्यहाँदेखि बिचमा फेरि फर्किनु भयो, है। नसुताउनु आज त सुरु पनि थाल्छ, अन्त हिजो त त्यो कसो पऱ्यो त्यो कुरा हामी एकदम कुरा गर्छौँ है। हुन्छ, यही भन्दै यसरी है। अब किनभने अब हेर्नुहोस्, अहिले अब आफ्नो एनजिओ गभर्मेन्ट, अब दिस इज नट द राइट टाइम टु डु द्याट है। अहिले चाहिँ अब एउटा ह्युमन भएर वाट ह्युमन सुड डु भन्ने हुनु पऱ्यो है। अन्त त्यही भन्नाले अब आज चाहिँ हामीले स्पेसली अब ज्यादा नेपाली छैन, स्पेसली हामी चाहिँ उनीहरू 8 जना 9 जना हिजो जानु पाएन खै, अर्को सङ्गठनको नेतृत्वले पनि हेरेर उनीहरूलाई पठाउनु सकेन रहेछ। के थाहा भयो अब आज चाहिँ हामी आएर हामीले सबैजनालाई पठाउने भनेको छ है। अन्त त्यही भन्दै सम्राट प्रधान है, नमस्कार। आगे से बोलो। 901 कितने दिन से भर रहे थे बैंगलोर में? बैंगलोर कितना दिन है? ब्याग पनि गाउँ This is the official, what NGO name is it? So see, as you can see, there are, it is not about particular NGO, right? In this pandemic time and during this crisis, right, everyone is working. There are numerous NGOs and they have come together to work so that we can send migrant workers from here. So as you can see, there are tons and tons, tons of food they have been providing since past 80 days. So as you can see, and this is not the first time, and since 70 to 80 days, they have been providing the same amount of this food so that the passengers can have their food without, if they don't have any money or so. So as you can see how they have been working, and it is very pleasurable. Come here and you can check the bags as well. And they've been doing this more than 80 days. As you can see, everyone is working since so many days just to send migrant workers from here. दस साल होगा यार, ठीक है, होगा, ऊपर नहीं हुआ ना, बहुत भरो, आपके साथ रखो।
नाम नाम बता दीजिए। मेयर अली। मेयर अली। मुझे तो मेयर अली भैया, इसमें जो उसको करने को नहीं आता है। यहाँ पे क्या हुआ? मैं कैसे कर? That's what. And ये आप लोग कहाँ थे? अंदर भी लोग। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? वो लोग जो आ रहे हैं उनको हम पहले जो आए हैं उन लोगों को क्रीमा के लिए उनको यहाँ पे खाने का प्रबंध सब कुछ है, सब कुछ। उसके बाद वो लोगों को तरीका से बताते हैं, हम मेडिकल कर रहे हैं, डेटा एंट्री। देर इज़ अ मेडिकल पीपल देर, देर इज़ अ डेटा टीम एज वेल। सो I just want to say that, you know, during this time, everyone is working to, you know, help people out. So people say police are not working, this and that, and it is not the same, because I am saying and everyone is saying that here police department and all the police officials are working 24/7 so that you can, you know, send everyone home. So you need to see that as well. Not बार बार आके हमसे पूछते, हम समझाते हैं कि हम उनका तकलीफ जानते हैं, वो अब जाना वही सर गाँव तक जाना है, वेस्ट बंगाल कहते हैं, उड़ीसा का त्रिपुरा का, वहाँ उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए ये जो है काम कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन मेरा हाल बोलने वाला बोल रहे क्या बोल रहे क्या, क्योंकि सर सब लोग को 100 बार अच्छा कीजिए, एक बार अच्छा नहीं करेंगे तो वही बात करेगा, पर आप लोग का जितना काम कर रहे हैं वो एकदम अप्रिशिएबल है। सो वी जस्ट वांट टू हां जी सर, उनको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं। हां जी सर, सो नहीं सर। हां, अब लोग बोलते हैं कि पुलिस ने मार, हम आप अपने आप को देखो कितने आराम से बैठे हो, कोई पैकिंग भी तैयार कर रखे हैं। यस, हमने हम वहाँ पे जाके आ गए, बिजी लोग हैं, तो लोग उनको अभी टाइम के साथ, और हम एक स्पेशल केयर कर रहे हैं जो भी छोटे बच्चे के साथ है, फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। नहीं सर,